नमस्कार। जैसा कि मैंने अभी पार्टी के बारे में बताया, जम्मू कश्मीर आम आदमी डेमोक्रेटिक पार्टी, ये एक नई पार्टी है जो जम्मू कश्मीर के लोगों की सोच को लेकर पैदा हुई है। लाइक माइंडेड लोगों ने हमने इस पार्टी को बनाया है, जिसमें जम्मू से कुछ लोग हैं, श्रीनगर से कुछ लोग हैं। श्रीनगर में ये पार्टी जो है 17 अगस्त को लॉन्च हुई, इसकी जल्दी ही लॉन्चिंग जम्मू में भी होगी। ये जो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, ये इसीलिए रखी है कि एक हमारी मीडिया से इंटरेक्शन हो जाए, ताकि जम्मू के लोगों को भी ये पता चल सके कि जम्मू कश्मीर, जम्मू में भी जम्मू कश्मीर आम आदमी डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो जल्द आ रही है। और इसके लिए टोल फ्री नंबर एक जल्दी ही जो है वो लॉन्च किया जाएगा और मीडिया द्वारा बता दिया जाएगा। मैं बेसिक कुछ जम्मू कश्मीर आम आदमी डेमोक्रेटिक पार्टी के जो एजेंडाज है उसके बारे में बताऊं। इसमें सबसे पहला जो है ये है हमारा यूनियन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो इस वक्त टूटती जा रही है। 370 टूटने के बाद जो है हमारी स्टेट जो है इस वक्त खुरद-बुरद पड़ी है। हम चाहते हैं कि हम जो लाइक माइंडेड लोग हैं जम्मू से भी, जो जम्मू कश्मीर को एक साथ देखना चाहते हैं, वो इस पार्टी के साथ जुड़े, क्योंकि हमारा मकसद भी जम्मू कश्मीर को यूनाइट करना है। जम्मू कश्मीर के आवाम में जो दिक्कत आ रही है उन दिक्कत को दूर करना है। जो तरक्की है इस स्टेट की, उस स्टेट की तरक्की के लिए हमें कदम उठाना है। जैसे आपने देखा कि पिछले दिनों काफी लोग जो है बेरोजगार हैं, उनके लिए बेरोजगारी के लिए कोई रोजगार के साधन नहीं है। उन साधनों को पैदा करना भी इस पार्टी का जो मेन मकसद होगा। जो डेली वेजर्स हैं जिनके साथ इतना अत्याचार हो रहा है, हम इश्योर करते हैं अगर हमारी पार्टी जब होंद में आएगी उनके लिए काम करेगी और उनको पक्का करने का हम यहां से आश्वासन देते हैं। जो फाइनेंशियल अकाउंट से लड़ रहे हैं इनको भी हम आश्वासन देते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम सबके साथ हैं। जो तबका जम्मू कश्मीर की तरक्की चाहता है हम उसके साथ हैं, हम चाहते हैं वो हमारे साथ आए। हमारी पार्टी धर्म की, मजहब की, रिलीजन की राजनीति नहीं करेगी। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर की खुशहाली और तरक्की हो।